हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, जो कि एग्जाम्स में बहुत चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि प्रूफ दैट बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन, जहाँ पर एम और एन जीरो के क्या है, बड़ा है, यानी कि जीरो से बड़ा है। तो ये रिलेशन आप लोगों को प्रूफ करना होता है या डिराइव करना होता है। तो चलिए देखते हैं। प्रूफ में आप लोग लिखिएगा पहले कि बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, हम लोग को पता है, यानी कि गामा फंक्शन के डेफिनेशन से गामा का जो इक्वेशन आते हैं वो इस प्रकार से होता है, गामा एन इज इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट तक का लिमिट e टू डी पावर माइनस एक्स एक्स टू डी पावर एन माइनस वन डी एक्स, यानी कि यहाँ पर x के पावर में जो कुछ भी होगा, यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर n के जगह पर m है, यानी कि x m माइनस वन, तो यहाँ पर गामा m का वैल्यू होता है। तो ये मैटर नहीं करता कि या यहाँ पर हम लोग e टू डी पावर माइनस एक्स लिखे या e टू डी पावर माइनस जेड लिखे, है ना, यहाँ पर जेड लिखे या डी जेड लिखे, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर ये कहता है कि यहाँ पर पावर क्या है। अगर यहाँ पर n माइनस वन होगा तो यहाँ पर n होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि बाद में हम लोग ये जो रिलेशन है यूज़ करने वाले हैं। अगर मैं क्या करूँ कि x के जगह पर जेड वाई पुट करूँ, तब ये जो गामा फंक्शन है इसका एक और फॉर्म हम लोग को दिखाई पड़ता है, यानी कि ये पहले ही हम लोग बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दें कि x इक्वल टू जेड वाई अगर हम लोग पुट करें तो एक और रिलेशन हम लोग का गामा फंक्शन का आते हैं। और वो गामा फंक्शन का रिलेशन क्या है, गामा एन इज इक्वल टू जेड टू दी पावर एन जीरो से इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस जेड एक्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर वन पुट कर देते हैं। हम लोग अब क्या करते हैं, ये जो जेड एन है इसे हम लोग इस साइड में ले आते हैं, तो मल्टीप्लाई हो रखा था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये रिलेशन भी हम लोग इक्वेशन नंबर टू पुट कर देते हैं। तो एक बात यहाँ पर आप लोग फिर से ध्यान रखिए कि यहाँ पर एन माइनस वन है, एन है, तो यहाँ पर जेड टू दी पावर एन होगा, जेड टू दी पावर एन होगा। और मान लीजिए डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, जेड, तो यहाँ पर नीचे जेड होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर एक्स के पावर में एन के जगह पर क्या था, एन के जगह पर एम था, यानी कि एक्स टू दी पावर एन माइनस वन ना होके एक्स टू दी पावर एम माइनस वन होता, तो यहाँ पर जेड टू दी पावर एम हो जाता और यहाँ पर गामा एम हो जाते। और मान लीजिए ये एक्स ना होके ये जो कोएफिशिएंट है, मान लीजिए हम लोग डी जेड में क्या करते, डिफरेंशिएट करते, तब यहाँ पर एक्स क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन होता। तो आई होप आप लोग बाद में हम लोग ये जो रिलेशन है यूज़ करेंगे तब आप लोग समझ जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन वन में जेड टू दी पावर एम माइनस वन और ई टू दी पावर माइनस जेड से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का एक लिमिट भी लगाएंगे, जेड इक्वल टू जीरो से जेड इक्वल टू इन्फाइनाइट तक हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो जो पहला यानी कि लेफ्ट साइड में जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा कुछ इस प्रकार, है ना, जहाँ पर dz क्या है, ये जो इंटीग्रेट करेंगे लिमिट लगाए हैं ये dz के लिए है, और यहाँ पर भी क्या है, ये हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें, e टू दी पावर माइनस जेड, जेड टू दी पावर एम माइनस वन dz, ये किस प्रकार सा है, यानी कि जो ये मैंने आप लोग को बताया था, e टू दी पावर माइनस जेड, जेड टू दी पावर एम माइनस वन, तो यहाँ पर m माइनस वन है, तो मैंने बताया था कि अगर m होगा तो गामा m होगा, तो यानी कि ये वाले इंटीग्रल के जगह पर हम लोग ये वाला जो इंटीग्रल है इसके जगह पर हम लोग गामा m लिख सकते हैं, यानी कि गामा m इज इक्वल टू ये वाले इंटीग्रल बन जाएंगे, गामा m इज इक्वल टू ये वाले इंटीग्रल बन जाएंगे। और बाकी हम लोगों ने x, e, z ये दोनों टर्म्स है ना, उन दोनों को हम लोग क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, और ऊपर का जो पावर्स है वो प्लस हो जाएंगे, तो बचेगा हम लोग के पास ये। हम लोग अब क्या करेंगे, ये पहले ये वाले टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ऑर्डर आप लोग कुछ भी कर सकते हो, डबल इंटीग्रल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। डबल इंटीग्रल में हमेशा आप लोग x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो या dz के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, कुछ भी रिजल्ट में चेंज नहीं आएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि e टू दी पावर माइनस जेड वन प्लस एक्स, जेड टू दी पावर एम प्लस एन माइनस वन, यहाँ पर अगर एन माइनस वन होता तो ये यहाँ पर क्या हो जाता, जेड टू दी पावर एम प्लस एन, यानी कि यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये रिलेशन आप लोगों को बताया था ना, यहाँ पर अगर एक्स टू दी पावर एन माइनस वन होता तो ये एन होता, तो यहाँ पर एन एन, और यहाँ पर डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, उसका पावर में हम लोग को ये पावर लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, dz के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो z का कोएफिशिएंट कितना है, 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स का कोएफिशिएंट कितना होगा, m प्लस n, तो ऊपर भी m प्लस n ही होगा dx, है ना। तो ये क्या है, इसे हम लोग बाद में तोड़ेंगे, है ना। m प्लस n यहाँ पर क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को हम लोग बाहर रख देते हैं, और बाहर अगर रखेंगे तो वो उस साइड में चला जाएगा, और उस साइड में चला जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो बचेगा हम लोग के पास ये।
और आप लोग का पता होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन का, यानी कि तीन प्रॉपर्टीज था जो हम लोग प्रूव भी किए हैं, और उसमें से एक प्रॉपर्टी है बीटा एम कॉमा एन, और ये यानी कि इसके जगह पर हम लोग बीटा एम कॉमा एन लिख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग के पास ये रिलेशन आता है, और यही आप लोग के रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन है। तो एग्जाम में आप लोग ये लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।